वहीं पर पहुंच के जहाँ बोला रहा है यार, चलने दीजिए एक बार, पहले चलने दीजिए एक बार, चलने दीजिए पूरा स्मूथली चलने दीजिए भैया, दौड़ गए थे एक बार, चलने दीजिए व्यापारी जो साथ दुकाने का फिर बैक आने दीजिए, फिर बैक आ रहा है, स्मूथली चल रहे दुकान चार्ज लगा दिया एक दो वहीं पर पहुंच के जहाँ बोला रहा है यार, चलने दीजिए एक बार, पहले चलने दीजिए एक बार, चलने दीजिए पूरा स्मूथली चलने दीजिए भैया, दौड़ गए थे एक बार, चलने दीजिए व्यापारी जो साथ दुकाने का व्यापारी बैक आने दीजिए, फिर बैक आ रहा है स्मूथली चल रहे दुकान यहाँ से मना कर रहे हैं बाहर से घरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर नहीं जाए, छूट बना रहे एक ही जो घटना हुई, क्या करना घटना है, 150 मीटर पर जल्दी के होलसेलर है और उनके रिटेल शॉप डब्ल्यू सेट करके दुकान में 10:30-10:30 बजे की घटना है। क्या आदमियों ने घुस कर उसका जूता जो है जो दुकान में रखा हुआ जूता है समय और फायरिंग कर दिया, कम से कम 20-25 राउंड फायरिंग कर दिए मोटरसाइकिल बैठ के बढ़ गया। ये 10:30 बजे की बात तो है, प्रशासन से अपराधियों को भय अब कम रहा है, प्रशासन को जरूर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो अपराधियों में भय व्याप्त, लगातार घटनाएं घट रही है और दिन में 10:30 बजे 10:20-10:25 में बड़े बाजार में जहां सैकड़ों की संख्या में दुकानें, हजारों लोग, वहां इतनी बड़ी घटना घट गई, ये सही नहीं है। मैंने बोला एसपी साहब को फोन किया, एसपी साहब को फोन करना था, फोन हुआ 25 मिनट के बाद, जबकि टावर पर प्रशासन रहता है वहां से 250-300 मीटर के दूरी, 25 मिनट के बाद आधे घंटे के बाद प्रशासन आ गई। और इतनी बड़ी घटनाएं इतनी हिम्मत के बाद ऐसे फायरिंग करते हुए सरेआम बाजार में प्रशासन अपराधी जो इतना बड़ा घटना को अंजाम देते, तो अपराधियों में निश्चित रूप से डर समाप्त हो जा रहा है, नहीं तो अगर भय रहेगा अपराधी इतनी बड़ी घटना नहीं। सरकार आपकी है सर, तो आप ये बात कहते अपनी जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकते, इसे मैं पल्ला नहीं झाड़ा, जो सच्चाई है उसको बोल रहा हूं, इसको देखना भी आप ही का काम है, इसको देखने का प्रशासन पुलिस प्रशासन का काम है, इनकी जवाबदेही उनका काम है, लेकिन प्रशासन का भय अपराधियों में रहना चाहिए और ऐसे सरेआम बाजार में 10:30-10:15 बजे इतनी बड़ी घटना घट जाए। कितने की लूट हुई है लगभग, क्या क्या चीज है? बड़ी बड़ी लूट है, कल्पना से भी बड़ी लूट है, हम इतना ही बता सकते हैं, क्योंकि वो होलसेलर व्यापारी थे और बड़े व्यवसायी, क्योंकि मेरे घर के बगल में उनका शॉप है, उनका सराह में बहुत बड़े व्यवसायी है, तो बड़ी क्या क्या चीज ले गया है क्या जानते वो लोग बताएंगे और कहीं न कहीं लोकल लोग भी इसके जरूर नहीं, किस चीज के व्यापारी थे, क्या चीज ले गए, चांदी का सोना का बड़ा व्यापार उनका होलसेलर, और डब्ल्यू सेट करके उनकी यहाँ रिटेल शॉप भी है राजकुमार रोड में। तब क्या लग रहा है फेलियोर किसकी माने जाएगी, सुरक्षा देना सरकार का काम है, फेलियोर सोना का बड़ा बड़ा जी बोले कितने कितने लोग थे, कुछ जानकारी मिला कितने राउंड फायरिंग हुई है, घर के सामने की घटना है, सब लोग देखते हैं कितने राउंड फायरिंग हुई है, कितने लोग थे, कम से कम 20 राउंड से ऊपर फायरिंग हुई, पूरे मेरे घर के सामने 2-3 खोखा मिला, बगल में लगातार जो फायरिंग करते हुए निकल गए, कितने लोग थे लगभग संख्या, तो वो तो शासन है जिनका है, लेकिन 5-6 अपराधियों की संख्या कितनी थी, वो तो 5-6 लोग तो बताएंगे अपराधी की, मैं प्रत्यक्ष दर्शी नहीं हूँ लेकिन मेरे घर के सामने सीसीटीवी फुटेज आ गया, क्या लगता है आपको, सीसीटीवी फुटेज जो इतना तक उन लोग को जानकारी था कि सीसीटीवी का डीवीआर काम है, सीसीटीवी तो बहुत सारा लगा हुआ है,
तो उसमें कितना क्लियर आया क्या, तो प्रशासन का जांच का भी सहल का विलम्ब प्रशासन को चुनौती के रूप में लेना चाहिए, और जो भी लूटा गया है इतनी बड़ी लूट हुई है उसका माल बरामद होना चाहिए, अपराधी तुरंत थैंक यू तुरंत होना थैंक यू।